हेलो दोस्तों, नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट एग्जाम कंपटीशन में। दोस्तों, नॉर्वड ऑफिस अटेंडेंट का मैथ सॉल्व पेपर मैं लेकर आया हूँ। प्रैक्टिस सेट ये है, ये प्रीवियर जो कि प्रीवियस ईयर ये ऐसे क्वेश्चन आए थे, उन्हीं के आधार पर ये प्रश्न बनाए गए हैं। यहाँ पे परीक्षा के आधार पर ये प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और पिछले वीडियो में आपने देखा है मैंने रीजनिंग के वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, तो इसमें हम आपको मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है अपने हाथों से। तो जैसा क्वेश्चन नंबर एक है, -9/10 +22/15 +13/20 का मान क्या होगा। तो जैसा जानते हैं कि अंश ये है, हर नीचे वाला है, तो हम जो हर है ये तीनों का देख लेंगे, 10, 15, 20, तीनों को हम ऐसे गुणा करेंगे जिसका हर जो है बराबर आ जाए। तो हम नीचे 10 में 6 से गुणा कर देंगे, 15 में 6 से 4 से गुणा कर देंगे और 20 में 3 से गुणा कर देंगे। तो सबका जो कि आंसर आ जाएगा, आप देख रहे आंसर नहीं सॉरी सबका हर देखिए, यहाँ पे 60 आ गया, यहाँ पे 60 आ गया, यहाँ पे 60 आ गया। ठीक, अब जो हर में गुणा करेंगे वही उसी अंक से अंश में भी गुणा करेंगे। तो अंश में गुणा करने के बाद आपको यहाँ पे 9×54 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे 22 में 4 से गुणा करने पे नीचे भी 4 से गुणा हुआ है तो आपका 88 आ जाएगा। 13 से 3 में गुणा तो 39 आ जाएगा। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब इसमें आपको घटाना है। तो देखिए, अंश हर तो आपका 60 ही आ जाएगा। ठीक, अब देखिए -54 और 39 माइनस इसमें करेंगे, -54 में से 39 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 5। तो आपको मतलब कि 5/60 ही आएगा। और इसको हम 12 से काट देंगे तो ये 12×5=60 हो जाएगा। और ये आपका 1/12, ये आंसर आपका हो जाएगा। और देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 8/27 का घाती रूप क्या हो जाएगा। तो देखिए, 8 का हम टुकड़ा जब करेंगे तो 2×2=4×8, 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं या 2³ लिख सकते हैं। ठीक, अब 27 का है, 3×9=27, हम 3³ लिख सकते हैं या फिर 27 लिख सकते हैं। तो हमने 2/3 यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये 2/3³³ कर दिए हैं, तो जो कि ये आपका घाती रूप हो जाएगा। अब देखिए, जो तीसरा क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल -14/27 है, यदि इनका इनमें से एक संख्या 7/9 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, -14/9 ये तो आपका रहेगा ही, और यहाँ पहली संख्या दी गई है 7/9, तो बस आपको तिर्यक गुणा कर देना है और इस अंक को बदल देना है, जैसे 9/7 कर देंगे। अब इसका 14 से 7 का गुणा हो जाएगा, भाग दे देंगे और 9 से 27 में, तो आपका -2/3 आपका ये आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 40% 360 हो तो वह संख्या क्या होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 40% पूछे तो वहाँ पे 100 से हम भाग के देते हैं। ठीक, अभी 100 को हम ऊपर लेकर जाते हैं तो हमारा ये 360×100/40, अब इसको हम काटेंगे। चलिए ठीक है, ऐसे काट लेते हैं। ठीक, इसको 4×9=36। ठीक, यहाँ पे 90, अब जब ऐसे करेंगे 90 का जब 10 बार गुणा करेंगे तो 900 आपका ये आंसर रहेगा, 900। तो दोस्तों, नाबार्ड ऑफिस अटेंडेंट में ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे इसी तरह के अभी रीजनिंग का पेपर लेकर आए थे, उसको आप चेक कर सकते हैं वहाँ पे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे। और जी के GS भी क्वेश्चन मैंने वहाँ पर प्रोवाइड कर दिए, आप वहाँ से वीडियो चेक कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में।